हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फ्रॉम मी। तो आज की इस सीरीज़ में हम कुछ क्वेरी हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए आए हैं, राइट। तो क्वेरी आई हैं मेरे पास, हमने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको मनी एंड क्रेडिट करके एसएसटी के लिए, है ना। तो उसमें हम बाटा सिस्टम के लिमिटेशंस नहीं क्लियर हुए हैं शायद, तो हम फिर से बता देते हैं आपको ड्रॉबैक्स ऑफ बाटा सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक्स मतलब कमी, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये तो क्लियर है, क्या होता है बार्टर सिस्टम में, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी दी जाती है, माने सी टू सी होता है, सी टू सी। कॉमोडिटी मीन्स सामान, सामान के बदले में क्या दिया जाता है, सामान ही दिया जाता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम नंबर वन क्या आती है, डबल कोइंसिडेंस नहीं मिल पाते हैं, डबल कोइंसिडेंस। ऑफ वांट्स, देखो क्या होता है, एक पर्सन है ए और एक है बी, दोनों लोग अपना ये इसके पास है, माना इसके पास वीट है और इसको क्या चाहिए, राइस चाहिए। वीट है इसके पास और इसे चाहिए क्या, राइस। दूसरा पर्सन है जिसके पास राइस है और उसे चाहिए वीट। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच होते हैं, मिल जाते हैं, तो सामान एक्सचेंज हो जाता है ना। और अगर वांट सेम नहीं है, सोचो इसे चाहिए शुगर तो शुगर कहाँ से आएगी, है ना, या फिर इसे कोई एनिमल चाहिए तो ये कहाँ से आएगा, समझ रहे हैं ना। तो कोइंसिडेंस माने, कोइंसिडेंस मीन्स होता संयोग, है ना, बाई चांस होता है ना, ये तो लक बाई चांस वाली बात है ना। बस अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो रह जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोइंसिडेंस नहीं मिल पाते, तो समझ ही नहीं आता था कि ना जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमें किसी दूसरे को भी उस चीज़ की वो उस चीज़ के पास है तो हम उसको आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, समझ गए मेरी बात को। बस ये इसे कहते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं था, एक लिमिटेशन कंप्लीट हुई हमारी। फिर होता है एक और लिमिटेशन आती है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ एक ये चीज़ थी कि उस टाइम पे ना, जब ये वाटर सिस्टम था उस टाइम पर किसी भी चीज़ का वैल्यू यानी कि मेजरमेंट करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए मनी का, वो हमारे पास एक कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं था, जैसे कि किलोग्राम होते हैं, वाट होता है, ये रहता है ना, इस टाइम पे सिस्टम है ना हमारे यहाँ, नाप तोल के सामानों को लिया या दिया जाता है, उस टाइम पर नहीं था। तो हम जैसे फिर हम इसी चीज़ पर आ जाते हैं, ए और बी पर आ जाते हैं। ए के पास जो वीट है वो माना एक पूरा एक बोरा भर के एक वीट है, वन इसके पास एक वन पैक है पूरा, और इसके पास छोटा सा ही है, जरा सा सही है, है ना। मन है इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा हाफ पैक है देन एक्सचेंज कैसे होगा, बताइए, समझ गए, क्लियर हो रही है मेरी बात। या फिर आप समझें कि इसके पास एक गॉट है, गॉट के बदले में उसे क्या चाहिए, वीट चाहिए। इसके पास वीट है लेकिन इतना थोड़ा है कि वो गॉट की वैल्यू को पूरा नहीं कर पा रहा, तो क्या गॉट के पीसेस तो नहीं किए जाएंगे ना, समझ रहे हैं ना, है ना। तो बस इस यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि किसी के पास कुछ सामान है तो उसको चेंज करना, किसी के पास ज़्यादा सामान है, किसी के पास कम सामान है, तो वो एक्सचेंज कैसे होगा, समझ गए इतनी बात को। चलते हैं और समझा देते हैं हम आपको, ये तो हो गई इसके दो प्रॉब्लम, और भी प्रॉब्लम्स हैं, चलते हैं इसको एक और प्रॉब्लम फ्यूचर पेमेंट के लिए, जो अभी बात हम बात बता रहे थे उसी में आगे चलते हैं। फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाता इसमें, क्या होता है कि जो सामान है वो वहीं का वहीं हम शो कर रहे हैं, बिल्कुल हाथों हाथ हमें करना है, कैश में पेमेंट है, फ्यूचर के लिए कोई काम ही नहीं है। अब आप सोचो कि इस मिस्टर एस के पास बहुत सारे टोमेटोज़ हैं, अब टोमेटोज़ तो ख़राब हो जाएंगे, है ना, और बी को सिर्फ थोड़े से वीट की ज़रूरत है, फिर फ्यूचर पेमेंट कैसे होगा, टोमेटो कब तक संभाल के रखा रहेगा, वो ख़राब हो जाएंगे, पेरिशेबल नेचर की चीज़ें होती हैं। तो फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी बार्टर सिस्टम में, ठीक है। क्या हो रहा था, जो पेमेंट है वो हाथों हाथ आपको उसके सामने ही करना है, उसके बाद उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा, सही है। और एक और आ जाते हैं इसकी, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, है ना, स्टोरेज करने की दिक्कत आ रही थी,
ठीक है, क्योंकि सी टू सी इकोनॉमी थी, तो स्टोरेज भाई स्टोरेज गुड्स का कर लो तो ही इसमें फ़ायदा हो रहा था लोगों को, लेकिन स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, ये समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को कि स्टोरेज करें कैसे, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट की प्रॉब्लम थी वहाँ पर। तो वैल्यू जो थी वो स्टोरेज की वाली नहीं हो पा रही थी। वही हमने जैसे आपको बताया कि उसने माना पूरे टमाटो ले लिए यहाँ पर, तो वो टमाटो को कहाँ स्टोर करेगा, कितना संभाल के रखेगा, वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी उसकी। ये कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी जो बार्टर सिस्टम में लगातार आती चली जा रही थी। समझ आ गई आपको मेरी बात, है ना। स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी, इससे क्या हो रहा था, लगातार कैपिटल लॉसेस होते चले जा रहे थे। जैसे कि फार्मर है, फार्मर ने क्रॉप उगा ली, है ना, अब क्रॉप को उगा लेने के बाद वो उसको हाथों हाथ देना चाहता है सबको, क्यों, क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम है, रखने के लिए कुछ है ही नहीं सामान, किससे एक्सचेंज करेगा वो, किससे एक्सचेंज करेगा। उसको जितनी ज़रूरत होती थी अपने घर के सामान के लिए वो उतना अपने पास रख लेता था, बाकी उसी को दे के बाकी वो दूसरा सामान खरीदता चला जाता था अपने लिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। ये इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फॉर्म्स ऑफ मनी हमारे यहाँ आ गया था। फॉर्म्स ऑफ मनी मीन्स ये जो कॉइन्स थे, कॉइन्स आए थे, उसके बाद सिक्के, तो अब पेपर नोट आ गए, फिर करेंसी, अब तो प्लास्टिक मनी, डिजिटल जमाना आ गया, सब चेंज हो गया। बार्टर सिस्टम ये बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है, और ये कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, इसी की वजह से बार्टर सिस्टम को यहाँ पे फिनिश कर दिया गया था। आई थिंक यहाँ पर शायद कुछ कम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई कमी यहाँ पर रह गई है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक अलग से हम कॉलम बना देंगे कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हों उसके लिए वीडियोस हम उस क्वेरीज के अंदर लगातार डालते रहा करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।